छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव पूरा हो चुका है सिवाय गिनती के। वो 3 तारीख को वो भी पूरी हो जाएगी। 3 तारीख की शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी किस पार्टी को कितनी टिकटें मिली हैं, कौन कौन से नेता जीते हैं, किसकी सरकार बनने का आसार है। ये सब 3 तारीख की शाम तक साफ हो जाएगा। इस बीच हमने ये कोशिश की कि पूरे छत्तीसगढ़ में जगह जगह हमारे जो संवाददाता हैं, जो चुनाव की रिपोर्टिंग भी कर रहे थे, देख रहे थे चुनावों को बड़े करीब से, उनसे बात की जाए, उनसे बात करके समझा जाए कि उनके इलाके में मुद्दे क्या थे, उम्मीदवार कैसे थे। जीत हार की संभावना पे तो हमने ज़्यादा बात करने की कोशिश नहीं की, लेकिन सीट पर माहौल कैसा है इसको हमने बहुत सारी सीटों पर जानने की कोशिश की है। कई संवाददाताओं से हम इस बारे में बात कर रहे हैं। हर दिन एक या दो संवाददाता से बातचीत हम आपके सामने रखेंगे। संवाददाता का नाम, जगह का नाम, किन सीटों पर है, ये आपको उस दिन की बातचीत में दिखाई पड़ेगा। कौन से संवाददाता हैं, कौन सी सीटें हैं, ये आप इसी में सुनिए। अभी हम अलग अलग संवाददाताओं से बात कर रहे हैं, उसमें कुरुद जो कि प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोट डालने वाली सीट है, वहाँ से हमारे संवाददाता जमाल रिजवी यहाँ आए हुए हैं। ये आए हैं YouTube स्टूडियो से संबंधित कुछ चीज़ों को समझने के लिए, कैसे वीडियो रिपोर्टिंग करेंगे इस बारे में बात करने के लिए। हम इस मौके का इस्तेमाल संवाददाताओं से बात करके उनके इलाके की सीटों के बारे में समझ रहे हैं। जमाल जो हैं वो कुरुद जो कि प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोट डालने वाली सीट है वहाँ के हैं। जमाल, हमको अजय चंद्राकर या कांग्रेस पार्टी किसी के तरफ से कोई पैकेज, कोई रुपया पैसा, कोई मिठाई, विज्ञापन कुछ भी नहीं मिला है, तो हम एकदम स्वतंत्र हैं, बिना नैतिक दबाव के हम आसानी से गीता कुरान पे हाथ रख के कसम खा सकते हैं, संविधान पे भी, कि हम सच बोलेंगे, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलेंगे। आपके साथ भी वहाँ कुरुद में ऐसी ही स्थिति है? यही स्थिति, सेम स्थिति है। कोई अपन कोई नैतिक दबाव किसी से नहीं, क्योंकि बड़ी सीट है, नहीं तो जो हम बोलेंगे उसके बारे में लोगों को लगेगा कि यहाँ पैसा तो मिला ही होगा इनको, ऐसा तो हम एकदम निश्चिंत हैं। जो सच है बोले, कोई उसमें ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। क्या स्थिति है कुरुद की, वहाँ मुद्दे क्या थे चुनाव में? भाजपा ने वहाँ विकास को एक मुद्दा बना के चुनाव की शुरुआत में भाजपा की तरफ से विकास एक मुद्दा था, लेकिन कुछ समय चलने के बाद ना ऐसा लगा कि विकास वहाँ पर गौण हो गया। बाद में जाके वो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप तक पहुँच गया मामले। ये विकास तो नरेंद्र मोदी ने 9 साल पहले पूरे देश में भी लगाया था नारा विकास का, उसके बाद से 9 साल से पूरे देश में लोग ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है विकास, दिख नहीं पाया कहीं पे। वैसे ही कुछ वहाँ था कुरुद? नहीं नहीं, हमारा जो विधायक या मंत्री जो अजय चंद्राकर जी हैं, उनको क्षेत्र में विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा। नो डाउट बहुत अच्छा विकास करवाए पूरे 90 सीट में। अगर कुरुद को आप देखोगे तो विकास के मामले में बहुत अच्छी पोजिशन है वहाँ। अच्छा। तो इसलिए उनको एक विकास पुरुष का तमगा मिला रहा। 5 साल अपोजिशन के विधायक थे वो, तो इस 5 साल में तो खैर कोई ज्यादा विकास हुआ नहीं क्योंकि सरकार में वो नहीं थे, लेकिन पुराने अतीत में उनके जो कराए हुए काम थे ना उनको लेके, और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से जो रेलवे का है या भारत माला परियोजना है, उन सारी चीजों को लेके वो विकास को मुद्दा बनाने की कोशिश किए थे। अच्छा। लेकिन वो ज्यादा तुल नहीं पकड़ा, वो नहीं पकड़ा, नहीं पकड़ा। बाद में कुछ आगे जाने के बाद ना वो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप वाले मामले तक पहुंच गए थे। तो मतलब कांग्रेस के कैंडिडेट तो वहाँ पहले तय नहीं थे, तो ये आरोप लगाते किस पे थे? नहीं नहीं, चुनाव के दरमियान की बात कर रहा हूँ। अच्छा, दरमियान की, ठीक। तो बीजेपी की लिस्ट पहले आ गई थी जिसमें अजय चंद्राकर का नाम था, और कांग्रेस से मैं देख रहा हूँ तारिणी नीलम चंद्राकर, इनका नाम दिख रहा है मुझको। ये नाम बाद में आया था कांग्रेस के जो सूची आई ना उसमें, बीजेपी का नाम उसके पहले आ गया था। जो बीजेपी की बड़ी लिस्ट आई थी जिसमें सारे पुराने लोगों को दे दिया गया था, रमन सिंह, ब्रिजमोहन, उसी में इनका भी नाम शामिल, उसी में अजय चंद्राकर का भी नाम शामिल था। उसके पहले कोई ऐसी चर्चा भी थी क्या कि अजय चंद्राकर को टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कोई ऐसी सुगोगाहट भी थी क्या वहाँ? हाँ, ये 25 साल की राजनीति, मेरा अनुभव, मैं जब से देख रहा हूँ 25 साल लगभग मेरे को पत्रकारिता हो गया, भाजपा की राजनीति में जितना करीब से देखा हूँ ना, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अजय चंद्राकर के अगेंस्ट में कोई टिकट मांगने के लिए तैयार हुआ। इससे पहले आज तक कोई
कोई सुगबुगाहट तक नहीं, मांगते ही नहीं थे, कोई मांगने की हिम्मत ही नहीं करता। भाजपा के लोगों ने मांगी, हाँ मांगी, मतलब पार्टी फोरम में मांगी। हाँ हाँ वो ठीक है, वो जिला पंचायत के अध्यक्ष वगैरह, साहू समाज का लीडर है जिला पंचायत के अध्यक्ष ना, उन्होंने फ्रंट पोजीशन में आके टिकट मांगी थी। ये राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो बड़ी घटना थी, बड़ी अजय चंद्राकर के सामने कोई टिकट मांगने के लिए 25 साल में पहली बार कोई तैयार हुआ है ना। रमन सिंह के सामने राजनांदगांव से कोई बीजेपी लीडर टिकट मांग ले, इस तरह की बात, इसी तरह की बात। या भूपेश के सामने कांग्रेस का कोई लीडर जो है वो पाटन से टिकट मांग ले, इसी तरह की बात थी। कुरूत के लिए अजय चंद्राकर बड़े नेता हैं, बहुत लंबे समय से नेता हैं वो। आपको मालूम है क्या कि अजय चंद्राकर भाजपा आने के पहले एक समय कम्युनिस्ट पार्टी के एक संगठन से जुड़े हुए थे? नहीं, उसके बारे में तो खैर मैं नहीं जानता, अपन उनको 98 से जान रहे जब से विधायक बने ना, और उससे पहले का इतिहास तो खैर। कम्युनिस्ट पार्टी की एक सांस्कृतिक संस्था है इप्टा, हाँ ये उससे जुड़े हुए थे अजय चंद्राकर, युवा वाहिनी करके एक संस्था वहाँ कुरूत में इन लोग बनाए थे। नहीं वो अलग है, ये इप्टा नाम की संस्था जो है ये सीपीआई की एक संस्था है जो नाटक वगैरह करती है। अजय चंद्राकर एक समय उससे जुड़े हुए थे, जैसा कई लोगों को होता है। कम्युनिस्ट जो है बहुत ही फटे हाली में रहते हैं, खराब हालत में रहते हैं, थोड़े समय तक कम्युनिज्म बड़ा रोमांटिक लगता है, उसके बाद लोग खिसक लेते हैं। अजय चंद्राकर क्या सोच के वहाँ से हटे मुझको नहीं मालूम, कभी आपसे मुलाकात होगी आप पूछिएगा कि आप तो पहले इप्टा में थे सीपीआई के संगठन में, फिर कांग्रेस में कैसे आ गए, आपको बतलाएंगे वो किस्सा, उन्हीं का बताया हुआ है मुझको, मैं और कहीं से खोद के नहीं लाया हूँ। तो ये जो इनके मुकाबले जो कैंडिडेट हैं वहाँ पे, तारिणी नीलम चंद्राकर, दो नाम है असल में, इसलिए मुझको थोड़ा सा वो याद करने में दिक्कत हो रही थी, इनका क्या बैकग्राउंड है? ये तारिणी जिला पंचायत की सभापति है, भी जिला धमतरी जिला पंचायत की सभापति है, धमतरी पूरे जिले की, नहीं नहीं जिले में अलग अलग सीट होती है, तो कुरूत विधानसभा में एक बहुत बड़ा एरिया है उनका, वहाँ से निर्वाचित है, वहाँ से सभापति बनी। इनके जो हस्बैंड है नीलम चंद्राकर, वो वर्तमान में मंडी अध्यक्ष है, और ये वही नीलम चंद्राकर जो पिछले समय निर्दलीय 60,000 से अधिक वोट निर्दलीय लड़के यहाँ से पाए थे। ये निर्दलीय थे कि कांग्रेस के बागी थे? अब उसको बागी बोल सकते हैं, नहीं यानी जब ये लड़े, हाँ उस समय तो बागी थे, नो डाउट बागी थे, लड़े उस समय तो कांग्रेस में थे ना, हाँ तो कांग्रेस के बागी बागी थे, फिर कांग्रेस निष्कासित कर दे मान लीजिए तो निर्दलीय हो जाएंगे। हाँ तो समय बागी शब्द ज्यादा उचित है उनके लिए। हाँ इनमें कोई डकैत के सेंस में बागी नहीं बोल रहा हूँ कि चंबल के बागी थे, मैं केवल राजनीति के बागी बोल रहा हूँ। ठीक बात है। तो ये इनको 60,000 वोट मिला कैसे था अपने दम पर बिना पार्टी के या पार्टी के खिलाफ लड़ के? इनकी एक तो 5 साल तक ये लगातार मेहनत थे, मतलब इनको था कि मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ना। 2018 के पहले का 5 साल बोल रहे हैं? हाँ 18 हाँ, से पहले के 5 साल हाँ, मतलब तैयारी कर रहे थे। लेकिन आप साहू जी जिस समय हारे ना अजय चंद्राकर जी से 2013 में, उसके बाद से लगातार अपना काम कर रहे थे क्षेत्र में, सक्रिय थे, तो 5 साल लगातार मेहनत करने की वजह से एक जनाधार तैयार हुआ, और उसके हिसाब से। और दूसरा एक कारण तो ये भी था इनको 60,000 वोट मिलने, और दूसरा एक बदलाव की जो मानसिकता जो बनती है ना, वर्तमान विधायक है उस समय के तत्कालीन मंत्री जो थे उनके प्रति भी थोड़ी सी लोगों को नाराजगी थी कि एक बदलाव का मूड बन रहा था, तो उस हिसाब से इनको 60,000 वोट उस समय मिला था। ये दोनों फैक्टर काम किए थे, इनकी खुद की मेहनत और उधर का थोड़ा सा मूड। उस समय मंत्री कौन था जिससे बदलाव चाहते थे लोग? अजय चंद्राकर जी थे। अजय चंद्राकर को बदलने के लिए नीलम चंद्राकर को वोट दिए थे लोग? हाँ ये ऐसा कहा जा सकता है। ऐसा यानी उनको केवल कांग्रेस के वोट नहीं मिले थे, जो बीजेपी से नाराजगी के वोट थे वो भी मिले थे। तभी 60,000 हुआ। तो अजय चंद्राकर से नाराजगी में 60,000 वोट बाहर चले गए पार्टी के, कांग्रेस के भी मिले होंगे लेकिन इनके भी गए होंगे। 5 साल में वोटरों की नाराजगी दूर हो गई क्या? नहीं हुई है। उस टाइप का कोई प्रयास भी नहीं दिखा। अच्छा प्रयास भी नहीं दिखा। मतलब अजय चंद्राकर बोले भाजपा बोलो, ये 5 साल पहले उनके साथ जो हुआ था 60,000 वोट बाहर गए हैं, तो उसमें सुधार की जो प्रक्रिया होनी थी। उस समय कांग्रेस को कितना मिला था? 24,000 समथिंग, 24 से 26,000 के आसपास। मतलब कुरूत की पहली सीट थी कांग्रेस जिसमें कांग्रेस जमानत नंबर पे थी। हाँ जमानत जब्त हो गई थी, स्थिति थी जमानत हो चुकी थी जब। हाँ जबकि कांग्रेस की लहर पूरे प्रदेश में चली थी, कुरूत एक ऐसी सीट थी जिसमें कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी।
ये जब 67 सीटें आई थी कांग्रेस की प्रदेश में, सुनामी चल रही थी कांग्रेस की, वैसे उसमें क्रूद में जमानत जब्त हो गई थी, एक बड़ी, तो अपन मोटा श्रेय उसका नीलम चंद्राकर को दे सकते हैं, दे सकते हैं कि उन्हीं कारण कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी। तो कांग्रेस को लगा इस बार फिर जमानत जब्त करवा दे, इससे अच्छा है इन्हीं को दे दो, हो सकता है कारण ये भी हो। यानी राजनीति में ये अच्छा है कि किसी पार्टी के खिलाफ आप जब जम के अपनी ताकत दिखाओ तो वो पार्टी थक हार के आप ही को टिकट दे देगी। वैसा कहना उचित नहीं है, इसमें इसकी काबिलियत भी दिखती है, नीलम चंद्राकर को या उसके पत्नी को जो टिकट नहीं, मैं काबिलियत में जरा भी शक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पार्टियों का सोच देख रहा हूँ कि पार्टी जो है पिछले बार बागी थे, कांग्रेस में रहते हुए लड़े थे और इतना वोट पाए, कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई, इस बार पार्टी ने उन्हीं की पत्नी को कैंडिडेट बना दिया। बुरा नहीं कह रहा मैं इसको, मैं सोच रहा हूँ कि पार्टियों की मजबूरी क्या रहती है, उनको लगा होगा कि ये तो फिर लड़ेंगे ही लड़ेंगे, पति पत्नी में से कोई फिर हमारी जमानत जब्त हो जाएगी, इससे अच्छा इन्हीं कैंडिडेट बना दो। पार्टी के स्तर पर वैसा सोच सकती है पार्टी, उसमें कुछ बुरा भी नहीं है अगर वैसी सोच है तो। क्या हुआ चुनाव में इस बार, फिर जब व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगे, आप बतला रहे हैं लोकल, क्या आरोप थे ऐसे जिसको हम चर्चा कर सकते हैं यहाँ पर? चरित्र को लेके थे। ओहो, कि वो ऐसा है वो ऐसा है, वो उस बात को अपन चर्चा में लेंगे। चरित्र से संबंधित वाला मामला था। हमको दर्शक संख्या में उतनी दिलचस्पी नहीं है कि किसी के चाल चलन के बारे में चर्चा करें, वहाँ के वोटर देखेंगे अपना, उनको ज्यादा जानते हैं वो लोग वहाँ पे, यहाँ बैठ के हम क्या चाल चलन का बात करें, छोड़ देते हैं उतने। व्यक्तिगत वाला मामला था। और बातें, और कौन से और मुद्दे थे जिसको देख के लोगों ने वोट दिया होगा? कर्ज माफी का मुद्दा, बिजली का मुद्दा, महतारी योजना, क्या चीज का मुद्दा था? जब तक ये 15,000 वाला जो घोषणा नहीं हुआ था ना कांग्रेस का, महिलाओं को जो 12,000 वाला, उस समय तक भाजपा वहाँ अच्छे लीड कर रही थी, मतलब अच्छा बेकअप, तारीख से लेकर 12 तारीख तक बहुत अच्छी ग्रिप बन रही थी उसमें। ये 9 दिन भाजपा लीड कर रही थी, लीड कर रही थी, बहुत अच्छा माहौल बन गया था उनके पक्ष में। और उसके बाद भूपेश बघेल जी जब घोषणा किए कि महिलाओं को 15,000 देंगे दिवाली की दोपहर, 11-12 तारीख को बकारा में उनकी अंतिम सभा थी, वहां से आने के बाद फिर रात को शाम को घोषणा किए वो, तो उससे थोड़ा सा माहौल कांग्रेस के पक्ष में बना। नो डाउट कर्ज माफी वाला जो मुद्दा, तो बहुत ही स्ट्रांग मुद्दा था वो। ये भूपेश बघेल जी ने भखारा की सभा में इसकी, वहाँ से आगे वहाँ की पोजीशन देखने के बाद उनको ऐसा लगा कि नहीं अब कुछ कदम उठाना जरूरी हो गया। क्या सभा में कम लोग थे क्या? समझ लो उसी टाइप कुछ था। अच्छा। वो दो तीन दिन पहले वहाँ स्मृति आने की सभा थी भाजपा की जो नेत्री थी, उसके मुकाबले कमजोर। हाँ, उसके मुकाबले एक तो टाइमिंग भी इनका शाम का 7 बजे के आसपास का टाइमिंग था, तो ठंड के दिनों में उतनी। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री ने तुलना की होगी कि अरे भाई मेरे सभा में कम लोग आए हैं, बाकी जगह से भी कहा गया है कि ये महतारी योजना का कोई मुकाबला नहीं है, तो फिर लौट के उन्होंने किया होगा ये घोषणा। रायपुर पहुंच के पहले ये बताइए, 12 तारीख की दोपहर को तो मुख्यमंत्री ने घोषणा की, 17 को वोट थे, तो ये 3-4 दिन में वहाँ बात फैल गई महिलाओं के बीच में? नहीं नहीं, उस लेवल तक नहीं पहुँचा। कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनको पॉम्पलेट छपवाने तक का भी समय नहीं मिला, मतलब वहाँ ग्रास रूट में जो पहुँचनी थी ना वो बातें नहीं पहुँच पाई, नहीं पहुँच पाई। उसका फायदा शायद भाजपा को मिलेगा, उन सब चीज को फार्म वोरम तक भरवा लिए थे वो। इस बार कोई तीसरा कैंडिडेट नहीं है कुरुद से रहने के लिए, तो 15 लोग लड़े वहाँ, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है पिछले बार जैसा ट्रेंडर नहीं है। नाम भी नहीं मालूम, प्रत्याशी का नाम भी नहीं मालूम, इस टाइप के लोग थे वहाँ। ठीक है, चुनाव आयोग भर को पता होगा, हमको याद नहीं। और जो लड़ रहे हैं उनको पता है कि हम लड़ रहे हैं करके, पब्लिक को कोई मतलब नहीं था उनसे। अच्छा, और ये दो कैंडिडेट जो हैं, मैं ये सुना हूँ कि कुरुद में खर्चा अंधाधुंध हुआ है। हाँ, पैसे और संसाधन बहुत सारी चीजें बटी है वहाँ। अपन कैंडिडेट के नाम बिना, चूंकि हमारे पास कोई सबूत तो है नहीं। हाँ, तो इसीलिए तो, लेकिन किस किस तरीके से पैसा खर्च हुआ है? नगद पैसे बटे है, दारू बटा है, साड़ी बटी है, थाली बटी है, और इस टाइप की बहुत सारी चीजें। पैसा किस तरह से बांटे? नगद पर ओट के पीछे 200, 300, 500 देख के, इस टाइप के ग्रामीण क्षेत्रों में 300 रुपये से लेके 500 रुपये तक, 200 रुपया शहरी क्षेत्रों में, उस टाइप का।
कम पैसा मिला है, यानी वो लोगों की गांव के हिसाब से उतना पैसा ठीक है, लोगों का दाम कम तय किया गया। मैं एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में सुनता हूँ, वहाँ पे 1000 रुपया वोट दिया गया है, घर में 5 वोट है, 5000 का लिफाफा पहुँचा है, ऐसा सुनता हूँ मैं। हाँ, तो जैसे 5-7 लोग हैं तो उसको पैकेज के रूप में 1000 रुपये दे दिए, इस टाइप था। अच्छा। और 1-2 वोट जो पहले 50 रुपये में बिकते थे। आपको लगता क्या है कि जो पैसा पाते हैं उसके बाद पोलिंग बूथ के भीतर तो कोई देख नहीं सकता वो किसका बटन दबा रहे हैं, तो जो पैसा पाते हैं वो क्या सचमुच ही पैसा देने वाले को वोट देते हैं, क्या करते हैं? नहीं नहीं, वैसा नहीं, कुछ परसेंट प्रभावित हो सकता है उससे, सारे लोग वैसा नहीं है, पैसा ले लेंगे लेकिन वोट अपने मर्जी से देंगे, उस टाइप से होता है। लोग अभी अब आगे बता रहे हैं कि हम उसका दारू पिए हैं, उसका पैसा लिए, लेकिन वोट तुमको दिए, नाम नहीं लूंगा कौन किसको बोल रहा है, नहीं क्या करना है हमको, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। दोनों लोगों से अपनी बातचीत होती है तो वो उसके बारे में ऐसा बता रहा है, वो इसके बारे में ऐसा बता रहा है कि फलाने गांव का आदमी आया था, वो बता रहा है कि हम उसके दारू पिया है, उसका पैसा लिए हैं, लेकिन वोट हमने आपको दिया है। मैं भी सोचता हूँ मेरे 5-10 लाख रुपया कोई देगा लाके कि आप वोट हमारे पार्टी को दे देना, तो मैं सोचता हूँ पैसा को रख लूंगा, वोट अपने मर्जी से दूंगा। नहीं तो लेकिन पता नहीं ऐसा हो पाता है कि नहीं, कि छाती के ऊपर बोझ रहेगा कि जिसका पैसा खाया हूँ उसको देना है, क्या होगा पता नहीं। मैं उतनी गरीबी से नहीं गुजर रहा हूँ इसलिए मेरे को अंदाज नहीं लग रहा है, लोग तो गरीब होंगे वहाँ के बहुत सारे। नहीं तो सबके ऊपर नहीं है, राजनीति के प्रति अब लोगों का भय तो उस टाइम नहीं रहा, वो भी जान रहे हैं कि नेता बन के क्या कर रहा है और कहाँ से पैसा कमा रहा है, तो वैसे लोग अगर खा भी जाए तो मन में उतना बोझ नहीं आता हमारा और आपका कोई पैसा नहीं। आप ये बोल रहे हो कि मेरे को कोई नेता पैसा दे तो लेके मुझको उसको बोझा छाती पे नहीं रखना चाहिए, ले लिए ठीक है, तुम भी चोर का माल चंडाल खाए जैसा मानना चाहिए, ऐसा पब्लिक है सब जानती है, इस हिसाब से मैं उस बात को बोल रहा हूँ। हाँ ठीक, पब्लिक ऐसा नहीं, पब्लिक ऐसा सोच सकती है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपके ऊपर तंज नहीं कस रहा हूँ, मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि ऐसा होना चाहिए। तो और कोई तीसरा कैंडिडेट नहीं है वहाँ पे, इन दोनों कैंडिडेट के बीच मुकाबला तगड़ा है? तगड़ा है बिल्कुल। कोई भविष्यवाणी करना इसमें अपन सट्टे में कोई पैसा लगाएं ऐसा कोई आसान नहीं है? आसान नहीं है, अंदाज लगाना आसान नहीं है। कोई महादेव ऐप अगर मेरे फोन पे कुछ आ जाए तो मैं पैसा किसी पे ना लगाऊं, नहीं नहीं वैसे नहीं है, डूबने का खतरा रहेगा। ठीक है, हम एग्जिट पोल जब आएगा 30 तारीख की शाम को रात को, उस दिन बात करेंगे अपन, और 3 तारीख को जब काउंटिंग होगी उस दिन तो बात करेंगे ही, क्योंकि कुरुज जो है वो सबसे ज़्यादा वोट डालने वाली सीट है। इतना ज़्यादा वोट क्यों डाल दिए लोग, पैसा कुछ ज़्यादा ही बंट गया था क्या? नहीं नहीं, कुरुज है वो पिछले 18 के चुनाव में भी ना कुरुज टॉप के पोजिशन में है, 88% समथिंग कुछ था उस समय, इस बार और बढ़ गया, इस बार और बढ़ गया, रायपुर की 4 सीट में कम हो गया है 1.5%। हाँ तो वो शहरी मतदाताओं को सोचना चाहिए, ग्रामीण तो बहुत लोकतंत्र के प्रति ज़्यादा समर्पित हैं आदमी। लेकिन आप कह रहे हैं कि लोग जागरूक भी हैं वहाँ के, समझते हैं राजनीतिक तौर पर जागरूक, समझते हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है ये जानते हैं। चलिए देखते हैं, अपन उम्मीद करते हैं कि लोग जागरूकता के साथ में अपना वोट डाले होंगे और कुरुत को अच्छा विधायक मिले जो बेहतर हो, अपना कोई खास पसंद नहीं है। अभी आपने कुछ सीटों की चर्चा सुनी, अगले एपिसोड में हम आपको कुछ और सीटों के बारे में बतलाते हैं। चुनाव की गिनती होने के पहले, वोटों की गिनती होने के पहले, यही सबसे दिलचस्प बात हो सकती है। सुनते रहिए।